मरने वाले का नाम इब्रिस उर्फ सद्दाम बताया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक सद्दाम का शव पुलिस को 10 अप्रैल को ही मिल गया था, लेकिन क्योंकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, उसकी शिनाख्ती के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे शव को देर तक रखा रहना होता है, और ये सुविधा क्योंकि उपलब्ध नहीं थी खरगोन में, तो शव को इंदौर भेज दिया गया था। 11 अप्रैल को शव का पोस्टमार्टम होता है, जिससे पुष्टि होती है कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोट के निशान थे। पुलिस के सामने चुनौती थी कि शव की शिनाख्त कैसे हो, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई कागज, ऐसे कोई पर्ची या ऐसा कुछ था नहीं जिससे ये पता लग सके कि मृतक का नाम क्या है, वो कौन है। 14 अप्रैल को खरगोन में एक लापता की FIR दर्ज कराई जाती है एक शख्स की। शख्स का नाम इब्रिस था। उसके परिजन बताते हैं कि 10 अप्रैल को वो घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं आया। पुलिस अब परिजनों को लेकर के जाती है इंदौर और वहां पे शव की शिनाख्ती करवाती है, तो पता चलता है कि इब्रिस एक था। एक बार सुनिए नरोत्तम मिश्रा को क्या कुछ कहना है उनका खरगोन मामले में हुई पहली मौत के बारे में। आपकी जानकारी मैं डालना चाहता हूं कि 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका PM हो गया था। PM रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी, फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की इवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली, तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रिया कर्म वो हो गया है, प्रकरण पूरा जांच में ले लिया। तो गृह मंत्री को सुना आपने, गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि ये पहली मौत है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इसी घटना में, इसी हिंसा में जो शिवम है वो भी घायल हुआ था 16 साल का। फिलहाल शिवम की स्थिति में पहले से काफी ज्यादा सुधार है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शिवम से इंदौर में मुलाकात भी की। वो रिस्पॉन्स दे रहा है पहले के मुकाबले। वेंटिलेटर पर था शिवम पहले, लेकिन उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया है, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इंदौर प्रशासन लगातार उसकी सेहत पर नजर बनाए भी रखे हुए है और बाकायदा हर समय उसका जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी जारी किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को शिवम के बेहतर और समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम हो रहा है।